निवार तूफान का डर अब खत्म हो चुका है। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेताया था, उस हिसाब से इस तूफान की रफ्तार थोड़ी कम थी, जिस वजह से तेज हवाओं से होने वाले ज्यादा नुकसान की आशंका समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी जाते जाते निवार तूफान अपनी निशानियां छोड़ गया है। ये चक्रवाती तूफान जिस तरह समुद्र से नमी लेकर तटीय इलाकों में पहुंचा, उसका असर दिखाई दे रहा है, जो आम जनमानस को उनके रोजमर्रा के कामों को करने में तकलीफ दे रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी का जल भरा हो गया है और कहीं कहीं तो बाढ़ जैसा मंजर नजर आ रहा है। वहीं तेज हवाओं ने बड़े बड़े पेड़ों को भी धराशाह कर दिया है। इस तूफान के जाने के बाद लोग अस्त व्यस्त हुए चीजों को फिर से संवारने में जुट गए हैं। अगर हम तूफान से होने वाली बारिश की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के कुड्डुलोर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं पुडुचेरी में काफी देर तक लगातार बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार पुडुचेरी में 225, चेन्नई में 89, कराईकल में 85 और नागापट्टनम में 63 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से जल जमाव और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली थी और बाढ़ के बाद राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नौसेना के जलयान INS सुमित्रा को विशाखापत्तनम से भी रवाना कर दिया था। वहीं बाढ़ की आशंका को देखते हुए ही प्रशासन ने चेम्बरमबाक्कम डैम के गेट को खोल दिया है, जो बारिश के कारण पहले ही 90% तक भरा हुआ है। बता दें कि चेम्बरमबाक्कम डैम का पानी अडियार नदी में जाएगा, इसलिए नदी के आसपास के निचले इलाकों में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमिलनाडु में 2015 में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ चुकी है, जिस वजह से न जाने कितनों के ही घर उजड़ गए थे और न जाने कितने अपनों से बिछड़ गए थे।